हेलो एंड वेलकम टू मॉम्स डायरीज़। इसके पहले के वीडियो में मैंने जानकारी दी थी कि 6 महीने के बाद बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए। उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आए कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, कितनी बार ठोस आहार देना चाहिए और दूध और सॉलिड फूड के बीच में कितना गैप रखना चाहिए। तो आइए उसी के बारे में आज बात करते हैं। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है हम उसे सॉलिड फूड खिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो नए पेरेंट्स हैं और जिनका खास करके फर्स्ट बेबी है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब दूध पिलाना है, कब सॉलिड फूड देना है। तो मैंने मेरे बेबी के टाइम जो रूटीन फॉलो किया था वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 6-7 महीने के बच्चे यूजुअली मॉर्निंग में 6:30-7 बजे तक उठ जाते हैं। जैसे ही बेबी उठे आप उसे पेट भर के ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क जो भी आप बच्चे को देते हैं वो पिलाएं। उसके बाद 2.5 या 3 घंटे के बाद यानी कि 9:30-10 बजे के बीच में बेबी को सॉलिड फूड दे। हमेशा ध्यान रखें कि दूध और सॉलिड फूड के बीच का गैप हमेशा थोड़ा ज़्यादा हो ताकि आपका बेबी सॉलिड फूड खा सके। सॉलिड फूड में आप मॉर्निंग में फ्रूट्स ही देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 और 7 महीने के बच्चे को कौन से फ्रूट्स देने हैं इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आप वो प्लीज़ देख लीजिए। अगर आपके बेबी ने अच्छे से फ्रूट प्यूरी खा ली है तो आप लगभग 1.5 या 2 घंटे के बाद यानी कि 11:30-12 बजे के करीब दूध पिलाए। इसके 2 या 2.5 घंटे बाद मतलब 2 बजे के करीब आप बेबी को वापस सॉलिड फूड दीजिए। इसमें आप दाल राइस की प्यूरी या मिक्स वेज खिचड़ी की प्यूरी या सेरेलैक दें। लंच के बाद बेबी को हमेशा थोड़ी देर के लिए ज़रूर सुलाएं। बहुत से बच्चों को फीडिंग करते करते सोने की आदत होती है तो आप फीडिंग करवाते ही सुलाएं। अगर बेबी का पेट भरा रहेगा तो वो इमीडिएटली सो जाएगा। नींद से उठने के बाद बेबी को पेट भर के दूध ही पिलाएं। इसके बाद हर 2 घंटे में दूध पिलाते रहे। रात में 8 बजे के करीब बेबी को वापस सॉलिड फूड दे। आप सेरेलैक, दाल राइस प्यूरी, मिक्स वेज प्यूरी, खिचड़ी की प्यूरी दे सकते हैं। डिनर के बाद आपका बेबी सो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोता है तो सुलाते टाइम दूध पिला के सुलाए। हमेशा ध्यान रखें कि 6 और 7 महीने के बच्चे का मुख्य आहार दूध ही है। आप बेबी को हर 2 या 3 घंटे बाद दूध या सॉलिड फूड देते रहें। अगर आपका बेबी 6 महीने का है तो फर्स्ट वीक में आप उसे एक ही बार सॉलिड फूड दे, सेकेंड वीक में 2 बार सॉलिड फूड दे और 3rd वीक में 3 बार दे। इससे 7 महीने का होने तक बेबी अच्छे से सॉलिड फूड खाना शुरू कर देता है। हमेशा बेबी को नहलाना, खाना खिलाना, सुलाना फिक्स टाइम पे ही करें ताकि बेबी के बॉडी को इसकी आदत हो जाए। अगर बेबी सॉलिड फूड नहीं खा रहा है तो वो खाने के लिए उसे एनकरेज ज़रूर करें, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें। समय के साथ बच्चे सॉलिड फूड खाना शुरू। 6 और 7 महीने बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें उनका खाने के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होता है, इसलिए उनको हमेशा अलग अलग वैरायटी का खाना दें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।